तो गाइस जो होंडा की एलिवेट है फाइनली शोरूम्स के अंदर में आ चुकी है और ये खड़ा हुआ है इसके सेकंड टॉप मॉडल VX वेरिएंट। जो इसका VX वेरिएंट है वो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर मिल जाएगा और मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर तो जाहिर सी बात आएगा। जो इसका मैनुअल ट्रांसमिशन है 15,44,000 रुपये कॉस्ट करता है और जो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो 16,68,000 रुपये कॉस्ट करता है। यानी कि प्राइस डिफरेंस दोनों के अंदर में 1:20 का समथिंग रहता है। आज की वीडियो बताऊंगा कि इस VX वेरिएंट में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। जो इस गाड़ी का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो ये VX वेरिएंट है क्योंकि कम प्राइस में और सारी चीजें जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है और होंडा एलिवेट का जो प्राइस है वैसे ही कंपनी ने बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव यहां पे निकाला है। ये गाड़ी SV, V, VX और ZX ये सारी वेरिएंट्स के अंदर में आती है। जो इसका SV वेरिएंट है वहाँ पे आप लोगों को कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, उससे ऊपर सभी वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाएगा और एक ही इंजन जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। जैसे आप इस गाड़ी की देखोगे तो यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक का ही जो है स्विच मिलता है। जैसे ही मैं गाड़ी को लॉक करूंगा ORVM तो खैर फोल्ड ही पड़े और अनलॉक करने पर जो गाड़ी के ORVM से ओपन हो जाते हैं और लॉक करने पर जो गाड़ी के ORVM से यहाँ पे फोल्ड हो जाते हैं। बड़ी प्रीमियम सी की है और हैवीनेस भी इस की के अंदर है, मतलब बढ़िया सी लग रही है देखने में। जो इस गाड़ी की हेडलैम्प मिलती है वो यहाँ पे LED में और जो फॉग लाइट है वो भी गाड़ी की LED में ही आती है। इस गाड़ी के अंदर में कोई फ्रंट में पार्किंग सेंसर या फिर कैमरा नहीं आता है और जो इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है ना भाई 220 mm का मिलता है, बहुत तगड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस है। जो थार आती है ना उसके अंदर 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, तो सिर्फ 6 mm का ही डिफरेंस है, तो मतलब एक नंबर लग रही है। जैसे देखोगे भी आप रियल लाइफ में तो देखने में मतलब लगेगा कि हाँ ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा तगड़ा है इस गाड़ी का। गाड़ी को किसी भी एंगल से देख लो, फ्रंट साइड बैक हर एक एंगल से देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी सी लगती है। और जो गाड़ी की हुड दिया हुआ है ये भी बिल्कुल ही फ्लैट सा है, तो मतलब एक पूरी SUV फील जो है इस गाड़ी के अंदर में से आ जाती है। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल दोनों फंक्शन साथ में और LED इंडिकेटर्स जो है इनके ऊपर में आप लोग को मिल जाते हैं। क्रोम लाइनिंग भी आप लोग को मिल जाती है विंडोज़ के नीचे और जो गाड़ी की रूफ रेल्स है वो यहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ मिलती है। सनरूफ भी गाड़ी के अंदर में आ जाती है और शार्क फिन का एंटीना भी गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। गाड़ी में क्रोम डोर हैंडल्स नहीं आएंगे, ये बॉडी कलर्ड ही डोर हैंडल्स हैं और ड्राइवर साइड में क्या है आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। जैसे मैं गाड़ी को यहाँ से लॉक करूँगा तब जो है ये गाड़ी एक बार आवाज़ करती है और गाड़ी को अनलॉक करने के लिए क्या है सिंपली आपको ऐसे हाथ डालना होगा तो आपकी गाड़ी जो है अपने आप ही अनलॉक हो जाएगी। भाई जो ये वाला फीचर है ना इसका बड़ा तगड़ा से लगता है, पूरी गाड़ी में रफ ग्लाइडिंग का भी यूज़ मिल जाएगा। इस गाड़ी के अंदर में क्या है सिर्फ फ्रंट ही आप लोग को डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर गाड़ी के अंदर में ड्रम ब्रेक आता है। ब्रिजस्टोन के जो है गाड़ी के अंदर में टायर मिल जाते हैं, 215, 55 और 17 इंच का टायर सेक्शन है। टॉप एंड जो वेरिएंट आता है वहाँ पे भी 17 इंच का टायर सेक्शन है और इस वाले वेरिएंट के अंदर में भी 17 इंच का ही टायर सेक्शन मिलता है। पीछे की तरफ में आप लोग को डिफोगर वाइपर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। स्पॉइलर टॉप एंड भी नहीं आता इसके अंदर नहीं है, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाता है और बैक प्रोफाइल भी भाई देखने में एक नंबर की यहाँ पे लगती है और पीछे पार्किंग सेंसर और कैमरा भी जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाता है। जो गाड़ी की फ्यूल लिड है वो यहाँ लेफ्ट साइड में दी गई है और ये ऐसे बाहर से दबाने से ओपन नहीं होती है। जो इस गाड़ी का ORVM है ना पैसेंजर साइड वाला यहाँ पे भी क्या है आपको नीचे की तरफ में कैमरा मिल जाते हैं, यानी आप इस गाड़ी का लेफ्ट इंडिकेटर दोगे ना तो जो कैमरा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन हो जाता है। तो बाहर से ना बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट वाली ही गाड़ी के अंदर में सारी चीज़ें मिलती है। टेल गेट को ओपन करने के लिए क्या है यहाँ पे आप लोग को मैग्नेटिक स्विच मिल जाता है। भाई बेस्ट इन क्लास इसके अंदर में बूट स्पेस है, 458 लीटर यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है, 60-40 स्प्लिट सीटें मिलती हैं, पार्शल ट्रे भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हैलोजन बल्ब के साथ में गाड़ी में बूट लैंप भी यहाँ पे मिल जाता है। स्पेयर व्हील इसका अलॉय व्हील नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पे गुड़ियर के टायर है और जो सेक्शन है वो यहाँ पे छोटा हो चुका है। ऐसे कुछ नहीं है कि इसी गाड़ी के अंदर में स्पेस ली मतलब ये कर दिया कि बाकी तो ब्रिजस्टोन टायर है और ये गुड़ियर टायर है, ऐसा नहीं है। मोस्टली गाड़ियों के अंदर में यही आता है कि जो चारों टायर रहते हैं वो अलग रहते हैं और जो स्पेयर व्हील है वो गाड़ी के अंदर में यहाँ पे अलग आता है। अब इंटीरियर्स में दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं गाड़ी के अंदर मिल जाती है। सबसे मेन चीज़ तो इस गाड़ी के अंदर में यही लगेगी ये वाले ओपनिंग का, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना आपको पूरा हार्ड टच दिया हुआ है और यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट है ये फैब्रिक का दिया हुआ है। चारों पावर विंडो के स्विचेज यहाँ पे मिल जाते हैं, स्पीकर और ट्विटर जो है गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं और जो डोर हैंडल हैं ये सिल्वर फिनिश के साथ में गाड़ी में मिलते हैं। फैब्रिक की ही गाड़ी के अंदर में सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है, टॉप एंड में लेदर की थी और जो बकेट फिटिंग है वो गाड़ी के अंदर बिल्कुल बढ़िया सी आ जाती है। हाइट एडजस्टेबल सीट भी इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगी।
मेटल पैडल्स नहीं है और जो डेड पैडल है वो गाड़ी के अंदर मतलब बढ़िया से साइज का मिलता है। जो ये वाला गैप है ये बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए यहाँ पे स्विच मिल जाएगा, लाइट लेवलिंग के लिए कंट्रोल है, तो फ्यूल लिड खोलने के लिए और गाड़ी के जो हुड है उसको ओपन करने के लिए स्विच मिल जाता है। गाड़ी के अंदर में लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, बट क्रूज कंट्रोल कट चुका है और जो एडास है वो भी गाड़ी के अंदर से यहाँ पे कट चुका है। म्यूजिक सिस्टम के इसके ऊपर में कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ऑटो हेडलैम्प भी गाड़ी के अंदर में आ जाती है, बट जो ऑटो वाइपर है वो गाड़ी के अंदर में नहीं आते हैं। और जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है ना, ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मतलब दोनों फंक्शन के साथ में यहाँ पे मिल जाता है। ओ भाई पूरी डिजिटल में यहाँ पे डिस्प्ले दे रखी है यार, ये कितनी तगड़ी चीज़ है। मतलब सारी चीज़ तो मिल गई यार इस वेरिएंट में। एनालॉग के अंदर इसकी स्पीडोमीटर है, बाकी डिजिटली जो है यहाँ पे शो करता है। और इनकी इन्फॉर्मेशन ना आपकी यहीं से ही सेट रिसेट होगी। इन्फॉर्मेशन में दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ जो है यहाँ पे ये शो करता है। अबे ठीक है भाई, ये लो फ्यूल की दिखा रहा है और ये हो गई आपकी। और इन्फॉर्मेशन ये थी कस्टमाइज डिस्प्ले का है, सेटिंग का है, जी मीटर है, स्पीड एंड टाइम है, रेंज एंड फ्यूल है और टैकोमीटर जो है यहाँ पे दिखा रहा है। गाड़ी के अंदर में TPMS जो है आप लोग को नहीं मिलता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाता है और इस साइड में दिया है गाड़ी की इल्यूमिनेशन को कम ज़्यादा करने के लिए। टच स्क्रीन डिस्प्ले का साइज़ भाई यहाँ पे छोटा हो चुका है अगर आप इसको टॉप एंड वेरियंट से कंपेयर करोगे तो। बाकी यहाँ पे हार्ड है, यहाँ पे भी हार्ड है और यहाँ पे भी जो है हार्ड फिनिश है। टॉप एंड में क्या था, यहाँ पे जो है आपको लेदर फिनिश मिल रही थी, बट जो गाड़ी के अंदर में फिट फिनिश है एक नंबर की यहाँ पे मिल जाती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर में आ जाता है। दो USB दे रखी है, वायरलेस चार्जिंग गाड़ी के अंदर में है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, 6-स्पीड गियर बॉक्स के साथ में है। और देखो मैं क्लच भी नहीं दबा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे गियर शिफ्ट करूँ ना बड़े मक्खन है यार इस गाड़ी के गियर शिफ्ट बड़े मक्खन है। और इंजन रिफाइनमेंट तो भाई गाड़ी के अंदर में है ही बहुत ज़्यादा तगड़ी। दो ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, आर्म रेस्ट भी मिल जाते हैं, पर ये फैब्रिक का ही है, कोई लेदर रैप नहीं है। स्पेसिंग ये गाड़ी के अंदर में बिल्कुल बढ़िया सी मिल जाती है। जो इसका ग्लव बॉक्स है वो इल्यूमिनेटेड नहीं मिलता है और ना ही ये कूलिंग फंक्शन के साथ है, बट स्पेस बिल्कुल बढ़िया है। IRVM यहाँ पे मैनुअल डे नाइट के मिलते हैं और जो यहाँ पे रीडिंग लैंप्स है वो आप लोग को LED मिलती है। सनरूफ को ओपन करने के लिए यहीं पे स्विच है। भाई गाड़ी के हिसाब से देखोगे ना तो सनरूफ की ओपनिंग भी यूँ है बिल्कुल बढ़िया सी हो जाती है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर है और ड्राइवर साइड सनवाइजर में आप लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। अभी सीट जो है मैंने पूरी नीचे कर रखी है, एक और सीट को ना मैं फटाफट से ऊपर कर लेता हूँ। भाई 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 ओ भाई साहब यार इस गाड़ी का बोनट ना कुछ ज़्यादा ही तगड़ा से दिखता है। देखो जो कर्व्स है ना ये बहुत ज़्यादा तगड़े से दिखते हैं। इससे पहले ना एक लैंड क्रूजर बैठा था भाई, उसमें भी मतलब यूँ इस तरीके से कर्व दिखते थे, वो देखने में मतलब बहुत बड़ा सा बोनट दिख रहा है, एक नंबर की विजिबिलिटी आ रही है। और डैशबोर्ड वगैरह मतलब एकदम सिंपल एंड सोबर से डिज़ाइन होता है ना आँखों की जो बात है, वो चीज़ जो है इस गाड़ी के अंदर मिलती है। ORVM में से भी गाड़ी के अंदर से बिल्कुल सही भी आता है, बट जो साइड विंडोज़ हैं इनसे मैं ऊपर नहीं बैठा हूँ, इनके मतलब ऑलमोस्ट लेवल से मैं ही बैठा हूँ, तो यहाँ से विजिबिलिटी मतलब ठीक है, ऊपर होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, पर यहाँ से भी है गाड़ी के अंदर में कोई भी कमी नहीं आ रही है। अब सेकंड रो के अंदर एक चीज़ दिखाता हूँ बहुत तगड़ी सी, जो ड्राइवर वाली सीट है ना अगर मैं इसको ऑल द वे बैक भी कर दूँ, ऑल द वे बैक है तो इसकी सेकंड रो में आप नी रूम देखना क्या तगड़ा मिलता है। फर्स्ट रो में भी गाड़ी के अंदर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सेकंड रो में भी गाड़ी के अंदर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, आइसोफिक्स सीट भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाती है, बट बीच में कोई आप लोग को आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, पीछे की तरफ में एयर के वेंट मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। ऑल द वे बैक होने के बाद आपने ये चीज़ देखी भाई किसी गाड़ी में, इतना तो गाड़ी के अंदर नी रूम है। लेग रूम भी जो है बहुत तगड़ा से यहाँ पे मिल जाता है और पीछे से कुछ ऐसा लगता है इस गाड़ी का इंटीरियर्स देखने में। और यहाँ पीछे भी क्या है, आपको LED में रीडिंग लैंप्स भी मिल जाते हैं। पीछे की तरफ में सिर्फ स्पीकर मिलेगा, यहाँ पे जो है गाड़ी के अंदर फैब्रिक यूज़ है, बोतल कैरी करने के लिए होल्डर है, तो 1 लीटर की बोतल जो है ना गाड़ी के अंदर में बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। इस गाड़ी के अंदर में इंजन लगा हुआ है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर वाला, जो कि आपकी 119 BHP निकालेगा और 145 Nm का टॉर्क जो है ये आप लोग को निकाल के देगा। उठा देना ये देखो, इंजन के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, बट जो रिफाइनमेंट है ना भाई, इंजन को मतलब स्टार्ट करके साइड में लेट जाना कुछ भी नहीं पता चलेगा गाड़ी का इंजन स्टार्ट है। माइलेज जो है 15 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करता है आपका मैनुअल ट्रांसमिशन में, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन CVT में जो है कंपनी इस गाड़ी की माइलेज क्लेम करती है 16.9 किलोमीटर पर लीटर की, तो ऑटोमेटिक भी आप इस गाड़ी का बिल्कुल परचेज कर सकते हो। तो गाइस ठीक है, ये सब कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।